रसोड़े में कौन था? हेलो जी, यामिनी जी बोल रही हैं आप? हाँ जी, आप कौन? जी यामिनी जी, मेरा नाम प्रवेश है। हाँ जी, हमें हिंदी कविताएं और शेर व शायरी लिखने का बहुत शौक है, और आप जो अखबार के लिए काम करते हैं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैम, नंबर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है, उनके लिए हर चीज़ संभव है। सो मैम, आपका जो रविवार यह कॉलम निकलता है जिसमें कविताएं और शेर व शायरी होती है, हम उसमें कुछ आपको सबमिट करना चाहते थे, और हम चाहते थे कि आप उन्हें पढ़ें, मतलब हमारी प्रतिभा जो है वो लोगों के सामने तक आए। सर देखिए, सबको पढ़ना तो मतलब पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देती हूँ, आप मुझे ना ईमेल। मैम ईमेल एड्रेस मैं बहुत सारे भेज चुका हूँ, लेकिन वो कहीं खो जाते भीड़ में। देखिए, 2 मिनट का वक्त लगेगा, अगर आप 2 मिनट मुझे दे पाए तो हो सकता है किसी की जिंदगी सवर जाए। सिर्फ 2 मिनट मैम, सिर्फ 2 मिनट। यामिनी जी सुनिए, हमने कविता लिखी है कि उसकी लबों पर खामोशी का पहरा और मैं यहाँ मौन था। गहराई है? हाँ, बहुत 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 प्यारा है। बहुत उसकी लबों पर खामोशी का पहरा और मैं यहाँ पर मौन था। तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? जी यामिनी जी, ये क्या है? ये आपने लिखा है? मैं तो मजाक कर रहा था, अभी मैं गहराई वाली आपको सुनाना चाहता हूँ, बिकॉज कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी वो लाइट हार्टेड होनी चाहिए ना। मैम मजाक कर रहा था, बुरा मत मानिएगा प्लीज। ठीक है, देखिए मेरे पास सिर्फ मैम बस लास्ट 30 सेकेंड लूंगा। वो बेगैरत थी जिसने मेरी वफादारी का यूं सिला दिया। अच्छा लिखा पहली लाइन, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, वो बेगैरत थी जिसने मेरी वफादारी का यूं सिला दिया। जी यामिनी जी, एक मिनट होल्ड करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा आप, एक मिनट। मैम आपको अच्छी लगी कविता? वो रविवार ये प्रकाशन में आती है ना, 300 रुपए का इनाम, 350 रुपए का इनाम। मैं बता रही, बेस्ट कविता। थोड़ा सा वेट करेगा। मजाक कर रहे, पुलिस में दे दूंगी। मैम आप किसी की प्रतिभा, वो प्रतिभा सुनने से पहले रख दिया। हेलो यामिनी जी, नमस्कार, मैं मलिक साहब का पीए बोल रहा हूँ। किनके पीए बोल रहे हैं आप? मलिक साहब का। मलिक साहब का? अरे वो मलिक साहब ना, गरम चाय की प्याली है, वो वाले मलिक साहब। जी, हाँ जी, बोलिए सर। जी मैम, वो कहना ये था कि आप एक संपादक हैं और मलिक साहब ने कुछ लिखा है, तो वो चाहते हैं कि आपके अखबार में वो छपे रविवार को, और वो प्रथम पुरस्कार वाला इनाम भी हम ले जाएं। ये बिल्कुल, अरे बिल्कुल सर, हाँ बोलिए ना। तो मैं मलिक साहब को फोन दे रहा हूँ, मैम आप थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है सर। हे यामिनी सुनिए, हमने लिखा है कि मेरे साथ साथ सुर में मेरी गाड़ी का हॉर्न था, मेरे साथ साथ सुर में मेरी गाड़ी का हॉर्न था। मेरा एक दोस्त है जिसके मोबाइल में बहुत सारा भर्ती पॉर्न था। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? हे ये आप, ये मलिक साहब तो नहीं बोल रहे होंगे, आप कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं वो प्रवेश बोल रहा हूँ जो पहले अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आया था ना, आपने मौका नहीं दिया प्रतिभा पूरा अच्छे से। ऑफिस में चिल्ला कर आप अपनी शिष्टता का परिचय ना दे, यूं तुम मुझे शांत रहे। आपके डेस्क के बगल में गरिमा बैठी है, बैठी है। हाँ जी, हाँ तो उसको बोलिए वो रेडियो स्टेशन में ऐसे आपका नंबर ना बांटे मुर्गा बनाने के लिए, ठीक है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। चिल्ला दे गरिमा, ए गरिमा, तू ही है रे सांप जाड़, तू ही है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एंड देश जानना चाहता है कि तब रसोड़े में कौन था? कौन था?